ई नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन के बारे में, यानी कि एडमिशन की प्रोसेस के बारे में आफ्टर यूजी कोर्स। जैसा कि आप सबको पता है, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार हरियाणा में एंड ऑल ओवर यूनिवर्सिटी जितनी भी है स्टेट्स में, तो उन सब ने ये स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के थे और वो जिस भी कोर्स के थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी, ठीक है, तो अब उनके बेस के ऊपर बच्चों को जो है आगे मास्टर्स में, पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो उनकी प्रोसेस के बारे में और 5 से 6 ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है एडमिशन की, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या है, पहले जो एंट्रेंस की डेट रखी गई थी वो पहले 15 थी, बट इस बार इन्होंने डेट को एक्सटेंड करके 30 जून है जो वो लास्ट डेट कर दी है आपके एंट्रेंस की। इसमें जो हमारे पास अभी के टाइम में जो कोर्स अवेलेबल है, दैट इज़ एक है पीएचडी का और दूसरा है एमबीए का, यानी कि एमबीए कोर्स की और पीएचडी के कोर्स का जो एंट्रेंस होगा इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हमारा 30 जून उसकी लास्ट डेट रखी गई है। नंबर पे हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो है आईसर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हो गूगल में जाके AIEEE 2020। सो जैसे ही आप लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओगे तो आप लोगों को साइट ओपन होते हुए वहाँ पे दिख जाएगा कि AIEEE के एडमिशन प्रोस्पेक्टस 2020, और इसकी बच्चे जो एंट्रेंस डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी है। पहले इसकी डेट जो है वो जून में ही ख़त्म हो जानी थी 15 के आसपास, बट इस बार इन्होंने उसकी डेट को, इन कंडीशंस को देखते हुए उसको एक्सटेंड कर दिया है, और जो इस बार उन्होंने लास्ट डेट रखी है वो है 30 जून, ठीक है। सो यानी कि आप लोग 30 जून तक AIEEE और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कोई भी स्टूडेंट लाइक कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, या फिर कोई बीएससी करके एमएससी में एडमिशन लेना चाहता है, वो भी स्पेशली कौन सा एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि हमें पता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इनका खुद का एक इंटरनेट का भी पेपर होता है, सॉरी मैं इंटरनेट बोल गया था, सो इनका नेट का भी पेपर होता है, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे UGC लेता है, CSIR लेता है, सो ऐसे ही एग्रीकल्चर का भी नेट का पेपर होता है जो कि आईसर के अंडर आता है। दूसरा, इन्होंने जो लास्ट डेट है वो 30 एक्सटेंड कर दी गई है। इसके साथ साथ जो और इन्फॉर्मेशन आप लोग साइट पे जैसे ही विजिट करोगे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंस्टीट्यूट आता है वो है JNU। JNU मीन्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी जो एंट्रेंस की डेट है सारे कोर्सेज जो भी UG और PG के हैं, सो उनकी भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून लास्ट डेट रख दी है। सो आप तब तक के लिए साइट पे जाएं, उनका प्रोस्पेक्टस पढ़ें, उनकी फीस डिटेल, उनके कोर्स का स्ट्रक्चर्स एंड ऑल डिटेल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है UGC नेट, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जो नेट का एग्जाम लिया जाता है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसकी पहले डेट कुछ और थी, बट इस बार उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशंस, तो उन्होंने क्या किया है, अब इसकी जो डेट है वो भी 30 जून लास्ट डेट कर दी है। सो आप 30 जून तक किसी भी फील्ड का, चाहे आप केमिकल साइंस से हो, चाहे आप लाइफ साइंस से हो, या जो भी आपकी साइड है, जो भी आपका फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग UGC नेट का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके 30 जून तक रख दी गई है। सो आप 30 जून तक उसका एग्जाम इजीली फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नंबर पे आता है हमारे पास जॉइंट CSIR UGC नेट। देखिए, पहले जो नेट हमने बताया फोर्थ नंबर पे वो था UGC नेट, और इस बार जो फिफ्थ नंबर में हम बता रहे हैं वो है जॉइंट CSIR UGC। जैसा कि हमने एक दो वीडियो पहले डाली हुई है CSIR इंस्टीट्यूट के ऊपर, उनकी लैब्स के ऊपर, उनके एडमिशन प्रोसेस और उनके जो SRTP यानी कि समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो, तो उनकी 45-60 डेज के लिए ट्रेनिंग लगती है एक टाइप की समर, ठीक है, जिसे हम समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही अब CSIR जैसे ये ट्रेनिंग करवाता है, उसके साथ साथ वो बच्चों के एडमिशन भी लेता है डिफरेंट इसमें स्टेट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, या डिफरेंट
जो भी उनकी साइट जो भी उनकी लैब्स बनी हुई है वहाँ पे। तो इन्होंने जो सीएसआईआर का यूजीसी नेट है उसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है AIAPGET। AIAPGET का मतलब है बच्चे ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। जैसे हमने अभी 1 से 4 या 1 से 5 यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही हमारे पास AIAPGET होता है। आप लोग जैसे ही एक बार ये गूगल में लिखोगे तो आपके इसकी प्रोस्पेक्टस इसकी कंप्लीट डिटेल भी मिल जाएगी। और होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके इन 6 के 6 इंस्टीट्यूट की जो कंप्लीट डिटेल है, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू रिसीव, हाउ योर पेमेंट डन, ऑल प्रोसेस के बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी इनके बनाने की। अभी इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि 5 से 6 इंस्टीट्यूट, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट ने अपने एंट्रेंस की जो डेट है वो एक्सटेंड करके 30 जून रख दी है। सो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।